आंदोलन, योगी सरकार का आपने देखा, और दूसरी तरफ योगी सरकार का एक और बड़ा एक्शन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। ये तीन तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों से देख लीजिए। तस्वीरें सोनभद्र, रायबरेली, ललितपुर की है, जहां पर अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया, शहर शहर बुलडोजर चला, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। तो बाबा एक्शन में है लगातार। मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरज रहा है। एमडीए का बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। जोन बी सी डी में अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां हुई। ध्वस्तीकरण के लिए 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिनमें कंकरखेड़ा, रोहटा रोड, मलियाना, गंगानगर में कार्रवाई हुई। अवैध कॉलोनीज और दुकानों पर भी एमडीए का शिकंजा देखने को मिला। तस्वीरें आप मेरठ में लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीए का बुलडोजर गरज रहा है। आज मेरठ में 16 ऐसी जगह चिन्हित करी गई हैं जिनको बिना मानचित्र के, बिना नक्शे के, उनमें अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी और उनका निर्माण किया जा रहा था। ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद जो एमडीए है वो अपना बुलडोजर लेकर पहुंचा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शमशुद्दीन की 10 बीघा ज़मीन थी जिसपे अवैध तरीके से बिना नक्शे के यहाँ पर एक कॉलोनी बनाई जा रही थी, और जब इसकी एमडीए को सूचना लगी तो उसके बाद एमडीए ने इसको अपनी लिस्ट में दाखिल करा, और उसके बाद आज जो है एमडीए का बुलडोजर यहाँ पहुँचा है और इस पूरी जो अवैध कॉलोनी थी इसको ध्वस्तीकरण कर रहा है। लगातार बुलडोजर यहां पर चल रहा है। मेरठ में ऐसी ही 15 से 16 जगह और हैं जो अवैध तरह से कॉलोनियां काटी गई थी, जिनके नक्शे पास नहीं कराए गए थे, वहां भी आज एमडीए का बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां जो है वो भारी पुलिस बल तैनात है, और बता दें शमशुद्दीन ने जो है काफी चोरी छुपे से जो ये 10 बीघा जमीन थी, इसमें एक शहर का आउटर इलाका है पल्लवपुरम, उसके अंदर ही। और बड़ी खबर इस बीच आपको मेरठ से बता रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण अभियान, आज 16 बुलडोजरों के साथ उतरी प्राधिकरण की टीमें। 14 बड़े अवैध निर्माण ढहाने में जुटी हैं टीमें। जोन ए, 3, जोन सी समेत कई जगह बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीसी मृदुल चौधरी के नेतृत्व में ये अभियान लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरठ से, विकास प्राधिकरण लगातार अभियान चला रहा है और 16 ऐसे बुलडोजरों के खिलाफ, यहां पर अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर उतरा है और अपनी कार्रवाई कर रहा है। अलीगढ़ से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम एसएसपी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पहुंचे एसआर सॉल्ट, टाइगर लॉक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। कई इलाकों में चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। डीएम एसएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। डीएम एसएसपी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, यानी कि कोई ऐसा इलाका नहीं बचेगा जहां पर अवैध अतिक्रमण होगा। उस पर प्रशासन की पैनी निगाह है और खुद मोर्चा संभाल लिया है वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसएसपी ने। कई जगह अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जगह जगह अतिक्रमण हट रहे हैं और सड़कों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है, दुकानों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं।